श्रीनयनी प्रेजेंस मुड़मुड़ के ना दे मुड़मुड़ के ना दे। बेटा खाने से पहले हाथ धोया करो। आप अपने बच्चे की सुरक्षा पे कड़ी नजर रखते हैं, फिर अपने किचन को भी सुरक्षित रखिए। सुरक्षा LPG होस पाइप और ISI मार्क वाला स्टोव इस्तेमाल कीजिए। किचन की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, HP गैस। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार बंधुगण, मैं हूँ रितिका सहानी। शुरू कर रही हूँ कार्यक्रम मुड़ मुड़ के ना देख, जो स्वयं सेवी संस्था त्रिनयनी की प्रस्तुति है और मैं हूँ त्रिनयनी की फाउंडर ट्रस्टी। विकलांगता के कई विषयों पर हम बातचीत कर रहे हैं। हम आज बात करेंगे समाज में विकलांग महिलाओं की स्थिति के बारे में, यानी वी विल टॉक अबाउट वुमेन विद डिसेबिलिटीज, जेंडर एंड डिसेबिलिटीज। त्रिनयनी की प्रस्तुति मुड़ मुड़ के ना देख ऑल इंडिया रेडियो के 17 स्टेशनों पर चल रहा है HPCL के मदद से। HPCL का एक और CSR इनिशिएटिव है स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में स्वावलंबन नामक, जिसके तहत कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर वे युवाओं के लिए तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग, ड्राइविंग, टेलरिंग, ब्यूटिशियन इत्यादि की ट्रेनिंग दी गई है। देश के 18 जिलों के 28 केंद्रों में लगभग 2,750 युवाओं ने इस योजना का लाभ उठाया है। Women with disabilities are often denied equal enjoyment of their human rights. परंपरागत रूप से समाज के रीति रिवाजों को अगर हम देखें तो जनरली महिलाओं का ओहदा, हैसियत, दर्जा काफी छोटा है। शिक्षा, नौकरी, रोजगार, परिवार, रिप्रोडक्टिव राइट्स, सेहत, इन सब मामलों में विकलांग महिलाएं काफी डिसएडवांटेज्ड रहती हैं और अक्सर हिंसा एवं अनुचित व्यवहार का सामना भी करती हैं। सबसे पहले आपकी बात करवाना चाहूंगी प्रोफेसर रेनु अधलखा से, जो प्रोफेसर एंड डेप्यूटी डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर वुमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज, जो न्यू दिल्ली में स्थित है और जेंडर इश्यूज पर 1980 से काम कर रहा है और पायनियरिंग काम कर रहा है। सुनिए वो क्या कहती हैं अबाउट वुमेन्स मूवमेंट, अबाउट डिसेबिलिटी इश्यूज विद इन वुमेन्स मूवमेंट। हाँ, तो पहले जो हम थोड़ा आज बात करेंगे कि जो महिला है उनका सिचुएशन डिसेबिलिटी मूवमेंट में क्या है, हमारी जो देश में डिसेबिलिटी मूवमेंट चल रही है, इस महिला का क्या रोल है, क्या वो महिला के इश्यूज लेते हैं, उनमें कितनी महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, क्या महिला के मुद्दे वो आगे लेते हैं। मेरे हिसाब से जो मैं रिसर्च कर रही हूँ, जो हमारे देश में डिसेबिलिटी मूवमेंट है वो बहुत मेल डोमिनेटेड है। उसमें जनरली जिन्होंने इन मूवमेंट में जो एक्टिविज्म करते हैं, जिन्होंने इन मूवमेंट में शुरू किया है, काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, मोस्टली ओवरवेलमिंगली वो मेन हैं और औरतों का उसमें रोल काफ़ी अनफॉर्चुनेटली अभी तक लिमिटेड रहा है। ये नहीं है कि वहाँ औरतें हैं नहीं, औरतें हैं, लेकिन उनके ऊपर जो इश्यूज हैं, जो उनकी स्पेसिफिक कंसर्न्स हैं, वायलेंस के ऊपर हो या एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हो या एजुकेशन के ऊपर हो, ये इश्यूज थोड़े साइडलाइन हो जाते हैं, क्योंकि जो डिसेबिलिटी मूवमेंट है वो ज्यादा बोलती कि हम विकलांग लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि कई तरह के विकलांग लोग हैं, आदमी हैं, औरतें हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, लो कास्ट हैं, हाई कास्ट हैं, और इसमें औरतें काफ़ी मार्जिनलाइज हो जाती हैं। सिचुएशन थोड़ी बदल रही है, औरतें अब ज़्यादा आ रही हैं डिसेबिलिटी मूवमेंट में, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी जो फोकस है डिसेबिलिटी मूवमेंट का हमारे देश में और जो औरतों का नंबर है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं वो अभी बहुत बहुत कम है। और मेरे को बहुत दुख होता है कहने के लिए कि विमेन्स मूवमेंट में भी, जो बहुत हमारे देश में बहुत पुरानी चल रही है, कॉलोनियल पीरियड से चल रही है, उसके बाद भी 70s के बाद बड़ी हो गई है, इसमें भी डिसेबिलिटी मार्जिनलाइज हुए, दलित इश्यूज आ गए, वर्किंग वुमेन के ऊपर आ गया, मुस्लिम वुमेन के ऊपर भी आ गया, लेकिन जो डिसेबल्ड वुमेन है एक मतलब ठोस इश्यू इसको विमेन्स मूवमेंट के ऊपर बनाना, जो विकलांग विमेन हैं उनको विमेन्स मूवमेंट में लाना, उनके इश्यूज को उजागर करना, ये अब शुरू हो रहा है। और ये क्यों शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है क्योंकि कई औरतें डिसेबल्ड हैं लेकिन विमेन्स मूवमेंट और फेमिनिज्म में इन्वॉल्व हुई, उनको लगा कि जो डिसेबिलिटी इश्यू है वे विमेन्स मूवमेंट में आना चाहिए और उन्होंने इसके लिए विमेन्स मूवमेंट के अंदर ही एडवोकेसी की। तो जैसे अनीता गई हैं, जैसे भार्गवी डावर हैं, अमी, इन लोगों ने समझा कि विमेन्स मूवमेंट को इस इश्यू पे सेंसिटाइज होना है। और इसमें अब पिछले एक दो साल से थोड़ा
प्रोग्रेस हो रहा है, जैसे अब ये सेक्सुअल वायलेंस पे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल जब वर्मा कमिटी हुआ, इसमें विमेन्स ग्रुप्स ने भी बोला डिसेबल्ड वुमेन का उनकी जो स्पेसिफिक इश्यूज है सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर वो एक सेपरेट लॉ में उसका मेंशन होना चाहिए। जो 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल है इसमें डिसेबल्ड वुमेन के ऊपर थोड़ा स्पेसिफिकली कि उनको कैसे ट्रीट किया जाए, उनकी टेस्टिमनी कैसे लिए जाए, उनको इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए, ये अब इंक्लूड हुआ है। तो इस इनकॉर्पोरेशन में विमेन्स मूवमेंट का काफी हाथ रहा है और विमेन्स मूवमेंट इन तरह से ज्यादा इंक्लूसिव बन रही है विमेन्स इश्यूज के ऊपर, और मुझको लगता है कि डिसेबल्ड वुमेन के कंसर्न्स विमेन्स मूवमेंट आगे ज्यादा उनको बढ़ाएगी। रेनु जी, आपने क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट की बात की, व्हाट अबाउट अदर लॉज व्हिच टॉक अबाउट वुमेन विद डिसेबिलिटीज? तो मैंने बोला है कि सेक्सुअल लॉ अमेंडमेंट बिल में डिसेबल्ड वुमेन का मेंशन हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो और लॉज बन रहे हैं और जो और लॉज अभी एग्जिस्टिंग हैं उनमें अनफॉर्चुनेटली एक तो जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी हैं उनको भी नहीं सेपरेट किया गया, और मेन एंड वुमेन विद डिसेबिलिटीज का उसके ऊपर कोई सेपरेशन नहीं है। तो जो लॉ वुमेन के ऊपर है उनमें डिसेबल्ड वुमेन पे नहीं है, और जो लॉ डिसेबिलिटी पे ऊपर है वो जेंडर सेंसिटिव नहीं है। इस स्थिति में जो पायनियरिंग रोल है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल हुआ है, और मुझे लगता है ये पैटर्न अगर आगे बढ़ेगा तो अच्छी होगी। और हमको ये भी देखना है, लॉज आर नॉट एनफ, लॉज से सिर्फ आप चेंज नहीं ला सकते, आप लॉज को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, उनकी अवेयरनेस लोगों के जेनरेट कैसे करोगे, मैकेनिज्म्स कैसे डेवलप करोगे कि लॉज ऑपरेशनलाइज हों, उनके बारे में जानकारी हो और उनको इस्तेमाल करें, और कचहरियों में केसेस को स्पीड अप कैसे करेंगे कि एक रेजोल्यूशन भी आए, कि लोग को इनकरेजमेंट मिले कि असल में ये लॉ सिर्फ पेपर पे नहीं है, और अगर लिटिगेशन में पड़ोगे ये नहीं है कि अगले 20 साल चले जाएंगे, एक्चुअली रिजल्ट ओरिएंटेड। ये नहीं है कि डिसेबल्ड वुमेन एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, कि वो एजुकेशन में नहीं है, है, लेकिन या वो इनविजिबल है, आपको दिखता नहीं है कहाँ है क्योंकि बहुत कम है, और या अगर वो है वो बहुत सारी स्ट्रगल के अपनी स्ट्रगल करके उस स्थिति पे पहुंची है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, एम्प्लॉयमेंट स्पेसेस में नॉट ओनली टू इनकॉर्पोरेट डिसेबल्ड पीपल, वो कभी वो थोड़ा हो भी रहा है, लेकिन वुमेन, उनके लिए टॉयलेट्स, उनके लिए कि उनके लिए लाइफ कंफर्टेबल कैसे हो कि वो घर से बाहर निकल सके और एम्प्लॉयमेंट ले सके। फॉर दोज ऑफ यू हु हैव जस्ट ट्यून्ड इन टू मुड़मुड़ के ना देख, हम बात कर रहे थे रेनु अदलक्खा जी से, जिन्होंने हमें हमारे समाज में विकलांग महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया। एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगी, ब्रेक के बाद आप सुनेंगे थ्री वेरी डिफरेंट वुमेन विद डिसेबिलिटीज एंड देयर कंसर्न्स। बेटा स्कूल जाने से पहले दूध पिया करो, बस दो मिनट की ही तो बात है। बेटा खाने से पहले हाथ धोया करो, बस दो मिनट की ही तो बात है। आप अपने बच्चे की सुरक्षा पे कड़ी नजर रखते हैं, फिर अपने किचन को भी सुरक्षित रखिए। सुरक्षा एलपीजी होस पाइप और आईएसआई मार्क वाला स्टोव इस्तेमाल कीजिए। खाना बनाने के बाद गैस रेगुलेटर ऑफ कीजिए। बस दो सेकंड की तो बात है। किचन की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, एचपी गैस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कार्यक्रम मुड़ मुड़ के ना देख चल रहा है, मैं हूँ रितिका साहनी, और अब आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगी आभा खेतरपाल से। शी इज अ प्रेसिडेंट ऑफ क्रॉस द हर्डल्स ऑर्गेनाइजेशन, खुद डिसेबल्ड हैं, दिल्ली में रहती हैं, व्हीलचेयर का इस्तेमाल करती हैं, सेल्फ एडवोकेसी के माध्यम से लोगों को विभिन्न विषयों पर जागरूक करती हैं। सो हियर इज अ वुमन विद अ डिसेबिलिटी एमिंग टू एम्पावर अदर वुमेन। नमस्कार, पिछले 42 सालों से मैं व्हीलचेयर यूज कर रही हूँ, मगर डिसेबिलिटी कभी भी मेरे आड़े नहीं आई है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जिनके भी दिमाग में ऑब्स्टेकल्स हैं, रुकावटें हैं, उनके दिमाग से ये रुकावटें दूर हो जाएं कि डिसेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट ला सकती है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, और डिसेबिलिटी के बावजूद भी मैंने 3 मास्टर्स डिग्रीज की हैं, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन इंग्लिश एंड मास्टर्स इन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग। और मैं ये चाहती हूँ कि और भी जो भी महिलाएं हैं जिन्हें किसी तरह की भी डिसेबिलिटी है, वो कभी भी मन में ये ना सोचें वो किसी से कम है। हमारे देश में एक महिला होना और डिसेबल्ड महिला होना ये एक दोहरी मार होती है, क्योंकि एक तो आपको डिसेबल्ड की वजह से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, और एक महिला होने की वजह से तो इस देश में सभी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आप व्हीलचेयर पर बैठी हैं तो आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती या अपने पाँव पर नहीं खड़ी हो सकती हैं। आप अगर अपनी शिक्षा पर ध्यान दें और अपने आप को सशक्त बनाएंगी तो आप सब कुछ कर सकती हैं। पहले अपने हक क्या है उनके बारे में जानिए, अपने शरीर के बारे में जानिए, अपने खुद से प्यार कीजिए। ऐसा नहीं है कि डिसेबिलिटी है या डिफॉर्मिटी है तो आप सुंदर नहीं हैं, आप खुद को सुंदर मानिए, और आप अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए हमेशा।
और कभी भी किसी से अपने आप को कम ना समझिए। ये थी आभा खेतरपाल। अब मिलिए डॉक्टर अनीता घाई से, जो हमारे देश की लीडिंग डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एट जीसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली में पढ़ाती हैं और रिसर्च करती हैं। इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर, और अब हमें चिंता इस बात की है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं वो अपनी वोटिंग राइट्स, इस हक को किस तरह से निभाएंगे, किस तरह से पहुंचेंगे पोलिंग बूथ तक। दिल्ली के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें मैं वोट देने गई, और क्योंकि मैं मोटराइज व्हीलचेयर पे जाती हूँ, अपने आप जा रही थी, लेकिन वहाँ पे 3 स्टेप्स थे और मैं वोट नहीं कर पाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के लेजिस्लेशन में है कि इलेक्शन ऑफिसर की ये रूल्स हैं कि हर बूथ जो है वो एक्सेसिबल होगा, और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी न किसी तरह से अपने ऑडियंस को भी कह पाएं कि आप प्लीज़ अपने हर बूथ को आप ये देख पाएं कि कम जो भी उस लोकेलिटी के अंदर डिसेबल्ड लोग हैं, जैसे ब्रेल का वहाँ पे वो है, साइन लैंग्वेज कम से कम इंसान होना चाहिए वहाँ पे जो बता पाए कि भाई आपको वोट करना है। उनके लिए उतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन मोबिलिटी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आप और वोट देने का एक, और ये तो सिटीजनशिप राइट है ना, नागरिकता का एक बेसिक राइट है, तो क्यों हमारे लिए नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर घाई, डिसेबल्ड वुमेन एंड सेक्सुअलिटी, एक विकलांग महिला की सेक्सुअल राइट्स, उसके डिजायर्स, उसके नीड्स, इस पर आपने बहुत काम किया है, तो कुछ बताएं। देखिए, सेक्सुअलिटी जो इशू है, इसमें एक तो ये है कि जो हमारा कल्चर है इसने हमेशा शादी को, मैरिज को एक इंस्टीट्यूशन माना है, और सेक्सुअलिटी का जो डिज़ायर डिसेबल्ड औरतों का है, तो ऐसा समझा जाता है कि या तो वो असेक्सुअल है, माने उनमें है ही नहीं सेक्सुअलिटी, या हाइपर सेक्सुअलिटी पे चले जाते हैं। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, एक बेसिक डिज़ायर होता है जो सेक्सुअलिटी है, लेकिन अगर मैं अपनी माँ को ये कहूँ जाके कि भाई मेरे अंदर ये डिज़ायर है लेकिन मैं डिसेबल्ड हूँ, तो वो कहेंगे भाई तुझे भगवान ने ये दिया नहीं। लेकिन मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या भगवान ने नहीं दिया या हमको सोसाइटी ने नहीं दिया? आम लोग इस चीज़ को अपनी अवेयरनेस का, अपनी सेंसिटिविटी का एक मुद्दा बना पाएँ और ये समझ पाएँ कि डिफरेंस है तो सही, लेकिन डिफरेंस तो बहुत तरह के होते हैं, तो ये डिफरेंस होना कि वो सेक्सुअल बीइंग नहीं है, इसको शायद मैं नकारना चाहूँगी, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इसको आप और तरह से समझें, और समझें ये कि हर इंसान एक जैसा इंसान होता है, ना चलना या चलना वो उसकी बेसिक ज़रूरतों के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर घाई। आखिर में सुनिए शिवानी गुप्ता को, जो फाउंडर है एक्सेसिबिलिटी की, और हाल ही में उन्होंने एक किताब लिखी है, नो लुकिंग बैक। महिलाएं हमारी सोसाइटी में डबली डिसेबल्ड हैं, क्योंकि एक तो वो डिसेबल्ड हैं तो उनको वही डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है जो कि डिसेबल्ड आदमियों को करनी पड़ती है, और उसके ऊपर जो महिलाएं इन जनरल डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं वो डिसेबल्ड वुमेन भी करती हैं। उसकी वजह से वो हमारी सोसाइटी में सबसे पिछड़ी हुई हैं, एजुकेशन लेवल उनका बहुत कम है, एजुकेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, और उसके अलावा क्योंकि ट्रेडिशनली हमारे सोसाइटी में औरत को एक घर संभालने वाली का रोल दिया गया है, और जो कि वो डिसेबल्ड होने के कारण शायद नहीं कर पाती, उसकी वजह से वो अपने फैमिलीज में भी काफी बार एक अच्छी पोजीशन नहीं होती, उनको अपने लिए ही छोड़ दिया जाता है अपने आप फेंड करने के लिए। विमेन विद डिसेबिलिटीज की जो एक हमारी धारणा है उसको चेंज करने के लिए क्या हो रहा है सोसाइटी में, मैं तो कुछ भी नहीं देखती। आप देखिए, इतने एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह होते हैं, कभी आपने देखा है कि कॉम्प्लान के एड में कोई डिसेबल वुमन अपने बच्चे के लिए लेने जा रही है, या कि कभी फिल्में या सीरियल में डिसेबल्ड को दिखाते भी हैं तो वो या तो माँ होती है, एक बूढ़ी माँ, या नहीं तो एक बहन, क्यों ना कोई गर्लफ्रेंड या वाइफ, यंग वाइफ के नजरिए से क्यों नहीं देखा जाता। तो मेरे ख्याल से एक तरीके से मीडिया को एक पहल लेनी चाहिए एक पॉजिटिव इमेज डिसेबल्ड वुमेन की दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच शिवानी। मैं आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम, जहाँ हमने आपको बहुत सारी आवाजें सुनाई, बहुत सारे मुद्दों पर हमने रोशनी डाली, आपको पसंद आया होगा।
त्रिनयनी का ये 7th एपिसोड है और अगले हफ्ते आप इस सीजन का लास्ट एपिसोड सुनेंगे। मुझे कई फोन आ रहे हैं, ईमेल्स मिल रहे हैं। इस शो के बाद भी आप हमारे साथ संपर्क में रह सकते हैं। हमारा नंबर है 0222869 7390। ईमेल आईडी है trinayani.contact@gmail.com और मोबाइल नंबर है 0976935 7390। मुड़मुड़ के न देख कार्यक्रम त्रिनयनी संस्था की प्रस्तुति है जो मुंबई में स्थित है और मैं हूँ रितिका साहनी। अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलूंगी। नमस्कार। त्रिनयनी प्रेजेंस मुड़मुड़ के।